स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सब के प्रति, और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरण में प्रार्थना करता हूँ। लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है और इसको सहन करने की ताकत उनके परिवार को और हम सबको दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना।